तो चलो भाई लोगों, काफी दिनों के बाद आपका भाई खेलने वाला है फ्री फायर। वैसे ही बताऊं तो आते ही मैंने एक किल करने के बारे में सोचा और आते ही मेरे को किसी ने पीछे से ठोक दिया। बाकी अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन लोगों को किंगफिशर मिल चुकी है, तो पर बंदों की ढंग से ही कुटाई करेंगे और एक इसको हेडशॉट लगा। वैसे दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, ये दोबारा से रिवाइव होने वाला है, बिकॉज ये रिवाइवल सिस्टम काफी ज्यादा बंदों की रैंक को मतलब कि सिक्योर कर लेता है, जैसे कि मेरी ही की थी शुरू में। पर चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अभी हम उसका यहीं पर इंतजार करेंगे क्योंकि वो दोबारा से रिवाइव होकर आने वाला है। नहीं तो सोचते हैं उसका दोबारा स्वाहा यहीं पर कर दें, उसकी रैंक ढंग से मैंने लगी यदि वो मेरे हाथों से किल हो जाता है तो। बाकी पीछे से आके धप्पा बोल दे तो उसकी तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ऐसे काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड की नहीं थी, बिकॉज मेरा फोन यार बहुत ज़्यादा हैंग करता है। नहीं तो सोचा चलो अब न्यू रैंक सीजन आया इसमें एक वीडियो बना देते हैं। बाकी बंदे तो अच्छे खासी रैंक पुश करते हैं, जब न्यू सीजन आता है तो सारे के सारे बंदे इसमें झपट के पड़ते हैं कि चलो रैंक पुश हो जाए। अभी तक मैंने आपसे बोला ही था वहाँ पर बंदा कूद चुका है, मतलब वही बंदा था जिसकी हमने शुरू में कुटाई की थी ना, वही रिवाइव होकर फिर से आ गया है। तो चलो इसकी बार भी देखते हैं इसको। और यहाँ पर ओ तेरी भाई साहब भाग गया यार, बाकी बहुत ज़्यादा छुप रहा है। मेरे को पता है उसके पास जीएटी नहीं होगा और उसको पास जब तक गन नहीं आएगी ना जब तक वो छुपता ही रहेगा। बाकी हम सोचते हैं कि गन आने से पहले ही उसको मार दें, क्योंकि गन आने से बाद थोड़ा सा कठिन पड़ने वाला है मारने के लिए वो। और यहाँ पर भाई गया किधर, और यहाँ पर ये रहा, और इसको अवेंज मिल चुकी है, लेकिन अपन लोग ने इसको एक और बार से हेडशॉट दिया। और वाकई में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस गेम प्ले किया है यहाँ पर, और दो किल थ्रू में ही हो गए हैं। बाकी तो थ्रू में मैंने किल किया तो था, लेकिन मैं ही किसी ने किल कर दिया। बाकी कोई दिक्कत वाली पर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमको मिल चुकी है एक बिजोन, और बिजोन को मेन अटैक है, किंग फिशर को भी एक्साइमेट ले लिया। बाकी दूरगन में काफी अच्छे हेडशॉट मारती है, तो चलो देखो यहाँ पर क्या होता है। बाकी शुरू में दो ही किल किए, मतलब एक ही बंदा दो बार धो दिया है हमने। बाकी चलो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे उतरते हैं, वैसे तो फाइट अच्छी वाली चलती है इधर भी। और यहाँ पर मैं देखूंगा भाई ढंग से फाइट होने वाली है, वैसे मेरे को लगता है शायद ऐसा। भाई ये देखो बिजोन गन है ना, ये एक नंबर की मतलब एक नंबर बेकार हेडशॉट मारती है। बाकी मेरे को आई डोंट लाइक दिस गन। बाकी मैंने इसकी जगह पर भाई साहब MP5 को चेंज कर दिया, और MP5 काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेडशॉट भी मारती है, और ये गन तो मेरी सबसे फेवरेट है। और यहाँ पर एक बंदा साइज से कुछ कर रहा था, बाकी के मैंने उसको अभी के लिए खतरनाक वाला हेडशॉट दिया, लेकिन पीछे से कोई पैराफिल बजा रहा है भाई खतरनाक वाली। बाकी अभी के मेरे के पास ग्लू वॉल केवल दो थी साइज से, और यहाँ पर भाई पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, और ट्रैगन ले रखी है मेरे हिसाब से। बाकी अभी के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू वॉल लगा दिया, बस मेरे को पता है पीछा नहीं छोड़ेगा। बाकी उसकी साइड से किसी से फाइट और से हो रही है वहां पर भाई साहब, मेरे को लगता है M91 जो डबल पिस्टल थी ना वो चल रही है। और यहाँ पर शायद मैं किसी का किल चुरा सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा, शायद उधर साइड फाइट हो रही है। तो चलो पीछे से जाकर धप्पा बोलते हैं, और यहाँ पर एक बंदा आया, और भाई साहब ये देखो फिर से बचा मैं, मतलब बाल बाल बचा। और इस बार भी नहीं तो यहाँ पर भाई साहब ये खेल खत्म कर सकता था, बिकॉज इसके पास शॉट गन थी ना, तो शॉट गन से और पास जाके फाइट लेना थोड़ा सा कठिन होता है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो चलो यहाँ पर चलते हैं भाई साहब, और यहाँ पर मेरे के अभी तक भाई 4 किल हो चुके हैं। बाकी अपन लोग को ये गन मिल गई है चिपकने वाली, जिससे कि अपन लोग कहीं भी जाके चिपक सकता है, मतलब उड़ सकता है एक प्रकार से ये बोल सकते हो। बाकी यहाँ पर अभी तक के लिए मैं शॉप में कुछ चीज़ लूंगा, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर कोई वेस्ट ढंग सा नहीं था, और बाकी ना ही मेरे पास कोई हेलमेट था। बाकी अभी के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है कोई चीज़, और यहाँ पर मेरे को टोकन थोड़े कलेक्ट करने ही होते हैं। बाकी 4 किल हो चुके हैं, बाकी बंदे तो होंगे, हम ऊपर जा रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं छत पे जाके इसकी मतलब कि देखूंगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ बंदे हैं। और यहाँ पर एक बंदा पीछे से, लेकिन पीछे से कौन मार रहा है भाई साहब, अब ये है कहाँ, मेरे को तो ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर नहीं है, मैं उस पर चढ़ के बैठ जाते हैं ना, बाकी मेरे को नहीं दिखा, चलो नीचे जाके दिखाई देगा, नीचे चलते हैं। बाकी नीचे से भाई बस एक बात तो है, किसी की फुटेज स्टेप तो आ रही है मेरे को, बट ये नहीं पता है कि है किधर, शायद से घर में है। बाकी वो बल्ला निकाल रहा है अपना बैच, और यहाँ पर मेरे को लग तो नहीं रहा कहाँ है, बट चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं, और यहाँ से शायद से घर में हो, और अभी तक तो नहीं दिखा। हाँ दिख गया भाई, पक्का वाला घर में ही है। और यहाँ पर मैं इसको 182 का हेडशॉट दिया, मेरे को पता है भाई यार एक हेडशॉट में कोई मरेगा नहीं, बाकी बॉडी का किलाना तो कंपलसरी हो ही जाता है। मतलब यार अपन लोग मतलब कोई भी हेडशॉट मारता है ना तो बॉडी का किलाएगा ही। बाकी चलो यहाँ पर चलते हैं, क्या क्या लूट होगी इसके बाद, क्योंकि मेरे पास कोई खतरनाक वाली लूट है नहीं अभी यहाँ पर। भाई साहब व्यू अलग, एक एक भी नहीं, दो और यहाँ पर दूसरी तो तीन, भाई साहब तीन लगा रखे, मतलब दो तो हम लोग पागल बनने के लिए वो तीन लगी हुई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अभी के लिए 3 ग्लू वॉल, और यहाँ पर चलो देखते हैं इस लूट में क्या है। वैसे मेरे को लगता है कि कोई खतरनाक वाली चीज़ होगी नहीं, चलो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप लोग चलता है, मतलब 6 किल्स हो चुके हैं, बाकी अभी के लिए यहाँ पर 18 बंदे अलाइव है, जिनमें कि एक मैं खुद भी हूँ, तो नो प्रॉब्लम। बाकी की 17 बंदे हैं, बाकी चलो देखते हैं कितने किल कर पाते हैं। बाकी की आज के लिए टारगेट है कि काफ़ी अच्छा गेम प्ले करेंगे, तो आपको ध्यान से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बाकी कोई दिक्कत दिक्कत वाली है बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर भाई साहब चिपकने वाली गन से मैं ज़्यादा ही कुछ इंटरेस्ट लेता हूँ, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई कोई बंदा दिख जाए, बाकी अभी के लिए कोई दिखा नहीं है। बाकी सही बताऊँ ना तो जहाँ से अभी मैं कूद के आया हूँ वहीं से मेरी थोड़ी देर पहले कुटाई हुई थी, मतलब MP40 को चला रहा था मैंने, और एक हेडशॉट दिया, और जैसे ही मैं उसके पीछे भागा भाई पीछे से आके कोई स्वाहा कर गया, पता नहीं चला क्या हुआ। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर अपनों को बाइक मिल चुकी है, तो यहाँ पर किल करने के लिए चल दिए।
बाकी ड्राइविंग अपन लोग की इतनी खतरनाक है नहीं, कहीं भी ठोक देता है। बाकी चलो यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर भाई साहब एक ड्रॉप है, शायद ड्रॉप के पास बंदे होते हैं ना तो लूटने के लिए आ जाते हैं, बाकी जिनके पास लूट नहीं होती है तो यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे को लगता है बाइक नहीं जाएगी, फंस गई इधर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो को तैर के जाएंगे यहाँ पर। ओ भाई स्विमिंग करना तो अपन लोग को आता ही है, बाकी गेम के अंदर रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं आता, एक पैसा का भी नहीं भाई, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर मेरे को तो कुछ कोई खास चीज़ मिली है नहीं, बाकी की यहाँ पर बंदा भी कोई नहीं है, और यहाँ पर 15 बंदे रह गए बस केवल ओनली। चलो यहाँ पर फिर से हम तैर के जाएंगे, मतलब आई मीन उड़ के जाएंगे हवा में। बाकी ये गन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट मैं इसका कोई भी रैंक उसके लिए यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब सिंपली यूज़ ही करता हूँ, बाकी आप लोग शायद से करते होंगे, कोई बात नहीं। बाकी बंदे तो देखो मिल ही नहीं रहे हैं, बाकी हाँ एक काम जरूर हो रहा है कि हम लोग गन से इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे मजे ले रहे हैं भाई, और यहाँ पर ये गन कभी कभी ज़्यादा दूर तक लेती नहीं, और बाकी की अपन लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस चिपकने के लिए काफ़ी है। बाकी यदि कोई बंदा ऊपर चढ़ जाए तो उसके लिए हम लोग चिपक के ऊपर जा सकते हैं, वैसे रियल लाइफ में ऐसी गन तो एग्जिस्ट करती नहीं है। बाकी कुछ कुछ बोलो तो स्पाइडरमैन वाली एबिलिटी है इसके अंदर, और यहाँ पर कोई मेरे को अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ कुछ फुटस्टेप्स से आ तो रहे हैं, मेरे को लगता है शायद से कोई हो सकता है। बाकी बंदे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गए हैं, और यहाँ पर भाई किल विल होने का नाम नहीं ले रहा है, और मेरे को कोई बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ पर पक्का वाला बंदे होंगे एक दो, और मैं भाई छत पे चढ़ के जाऊँगा, बिकॉज यदि मैं सीधा सीढ़ी से जाऊँगा नहीं तो कोई बंदे पक्के वाले रैंक पुश करते हैं, और सीधा ऊपर जाते ही भाई साहब ऊपर से पटाखा सा फोड़ेंगे, तो ऐसा अपन लोग को करना नहीं है। और बाकी की वहाँ पर शायद से कोई बंदा हो सकता है, बाकी मेरे को तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलो नो प्रॉब्लम भाई, कोई दिक्कत तो कोई बात नहीं, अपन लोग कुछ ज़्यादा यूज़ करता है ये वाली गन का। वैसे सही बताऊँ तो इस गन का यूज़ करने में मेरी कई बार कुटाई हो भी चुकी है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये आदत जाती नहीं है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अभी यहाँ पर मुझे खरीदना पड़ेगा जिससे कि मैं मतलब कि एनिमी की लोकेशन को मतलब कि सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर एक एनिमी दिखाई दिया भाई मैप के अंदर, चलो उसी क्लिक करने चलते हैं। बाकी अभी जोन को चलिए मैं 50 seconds आर ऑल्सो रिमेन, चलो कोई दिक्कत बात नहीं, मतलब यार यहाँ पर जोन को चलने में अभी 43 seconds और भी बाकी हैं, और बाकी यहाँ पर बंदा एक आ तो रहा है मेरे पास, बस बीच में कोई लुढ़का मत देना उसे भाई, बिकॉज यदि हो गया तो अपन लोग का एक भी किल नहीं हो पाएगा ढंग से। और फिर यहाँ पर एक बंदा है और वो आ रहा है, और यहाँ पर ये कौन हो सकता है, बाकी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और मैंने यहाँ पर अभी उसको एक हेडशॉट दिया खतरनाक वाला। चलो लूटते हैं इस पर, शायद ये कोई लड़की थी, और ये दूसरा जा रहा भाई, मैंने उसको अलर्ट भी कर दिया बट वो अलर्ट हुआ नहीं, वो भाग गया। उसको अपनी रैंक को प्रोटेक्शन के बारे में पूरा से पूरा कंफर्म है कि उसको मतलब कि रैंक अपनी बचानी है। बाकी मेरे यहाँ पर 7 के लिए हुए हैं, और बाकी अभी भाई अभी 10 के भी 9 बंदे भी हो गए भाई, मेरे को उधर साइड से जाना पड़ेगा, हो सकता है अपनी बुगाटी को पलंग से भगा के लाए और भाई ठोक दे, यहीं पर अपन लोग का खेल खत्म हो जाएगा। बाकी बट अभी खेल अभी ऑल्सो लास्ट अभी खेल बाकी है, बाकी कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर भाई पीछे फाइट तो हो रही है, बट अपन लोग जाएगा नहीं सीधा मुंह से, शायद ऊपर जाके थोड़ा सा चुप चुप के गोली बजाएंगे। और यहाँ पर मेरे को तो कोई दिखाई नहीं रहा, बट ओ भाई साहब एक और भी बंदा कम हुआ, मैंने मतलब ऊपर जो फाइट हुई है और यहाँ पर एक बंदा और चली, ओ भाई ये मेरे को पहले दिखा था, शायद यही था जो शुरू में गोली बजा रहा था। बाकी ये शायद से कहीं से इसको डैमेज ढंग का सा ही पड़ा, और यहाँ पर आके मेडिकेट्स कर रहा होगा, बट अभी के लिए पलकों से कोई खतरनाक वाला हेडशॉट दिया है, हेडशॉट तो नहीं बोल सकते, बाकी हेडशॉट ही था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन और तेज रुक जाओ भाई साहब, मेरे पास ग्लू वॉल एक्स्ट्रा वेस्ट करने के लिए है नहीं। बाकी बंदा ऊपर ही है मेरे को पता है पक्का वाला, वहाँ पर वो जो बड़ी वाली रॉक है ना उस पर चढ़ के बैठा हुआ है। बाकी अभी के लिए मैं इसको एक खतरनाक वाला हेडशॉट शायद से दे सकता हूँ, और लेकिन भाई साहब उसके पास कोई मेरे हिसाब से मार्क्समैन गन है, और मैं अभी इसीलिए अपना प्रोटेक्शन करूंगा बिकॉज यहाँ पर जोन आ जाएगा, और वो मेरे को पता उतरने वाला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बंदे ऐसे होते हैं भाई कुछ भी हो मर जाएंगे, लेकिन भाई उतर के नहीं आएंगे। बाकी अभी के लिए अपन लोग साइड से उतर के आया होगा, और यहाँ पर वो भाग रहा है, बाकी ऊपर से डैमेज पड़ गया होगा, बाकी 76 का हेड पड़ा और हमारा किल आ चुका है, बाकी 9 किल हो चुके हैं, मेरे को पता है ऊपर से कूदा होगा तो डैमेज भी ढंग का सा पड़ा होगा। बाकी यहाँ पर फाइट बजने की मेरे को आवाज़ आ रही है, और यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखाई भी दे रहा है, और ये देखो भाई 38 का हेडशॉट और 41 का, और मतलब ये बॉडी में दे रहा 24, मतलब 38 का कोई हेडशॉट इतनी बड़ी गन मारती है क्या, नहीं ओ तेरी ये क्या है भाई, ग्लू वॉल से प्रोटेक्शन ले लिया उसने, और यहाँ पर अपन लोग का स्वाहा हो सकता है बिकॉज ये चिपकने वाली गन इतनी जल्दी फेंकती नहीं मार के, और बाकी हमारी कुटाई भी हो जाती है यहाँ पर। अपन मैं प्रोटेक्शन करूंगा, उसके पास शॉर्ट गन हो सकती है, लेकिन लेकिन रुक जा भाई, रुक जा भाई, बहुत ही खतरनाक हेडशॉट दिया। बाकी के लिए आप लोग ध्यान से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वैसे आपका भाई अपने चैनल में बहुत सारे गेम्स की वीडियो अपलोड करता है, जैसे माइनक्राफ्ट हो सकता है, कोई भी हॉरर गेम्स, तो बाकी यदि आपको कोई पसंद हो तो उसकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाकी ऊपर एक बंदा है, वो मेरा ही मेरे को लग रहा है, वेट कर रहा है कि मैं निकलूंगा ऊपर से पटाखा फोड़ेगा, बट हाँ मैंने उसको अभी से अलर्ट कर दिया है काफ़ी अच्छा खासा डैमेज देने के बाद, ऊपर लोग यहाँ पर ऊपर कूद के जाएगा। वैसे इसमें डर होता है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर कूदते कूदते ही हम लोग कुटाई हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए वो मेडिकेट करेगा, और यहाँ पर भाई साहब लेकिन लेकिन कुछ भी फायदा नहीं, एक हेडशॉट भी नहीं लग रहा है अभी के लिए, और यहाँ पर मैं इसको मार दूंगा, मार ही दिया, बाकी बॉडी से ही मरा है, कोई बात नहीं, बाकी 10-12 किलो में एक बॉडी से हो जाए कोई बात नहीं है, लास्ट का एक ही बंदा बचा हुआ है। बाकी सबसे ज़्यादा डर इसी से होता है कि कहाँ छुप के बैठा हुआ है और कहाँ से जाके एकदम शॉक करे कोई पता नहीं, मतलब यार कोई भी कहीं भी शॉक कर सकता है।
मतलब एनी वन सॉक्ट मी इन एनी वे ऑफ, कहीं भी सॉक कर सकता है। बाकी के लिए लास्ट बंदा बचा हुआ, अभी मेरे को ये भी नहीं पता कहाँ है, बाकी मैं छुप के एक बार देखता हूँ शायद से दिख जाए। लेकिन अभी सही बताऊँ ना तो ये वही जगह है जहाँ पर मैं सबसे पहले कुटा था, मैंने आपको बीच में ही बताया था, एक बार अलर्ट किया था। बाकी यहीं पर मैं उसमें एक हेडशॉट बजा रहा था, मतलब MP40 से, और वो भी मरा नहीं, और पीछे से मेरा आके कोई भटाका फोड़ गया। बाकी कोई बात नहीं, लास्ट बंदा बचा हुआ है, बाकी अपन लोग 11 किल हो चुके हैं। उसके आप लोग को ये गेम प्ले कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी की मैं कई सारी गेम्स की वीडियो अपलोड करता हूँ और कम्युनिटी पोस्ट भी करता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके माइनक्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, काफी ज्यादा सुंदर आपको घर लगेंगे ऐसा मेरा मानना है। बाकी ये आपको कमेंट करके बताना। चलो लास्ट बंदा वहाँ पर, और यहाँ पर खत्म नहीं, भाई साहब इंजेक्शन ले रखा है, बाकी अपन लोग इसको खत्म करेगा ही। बाकी अपन लोग को शानदार भैया पूरे 12 किल के साथ कवर बहुत।